अब बात करेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस पूरा होगा? रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो मेन इसमें दो ऐसे मटेरियल हैं जो रॉ मटेरियल्स का काम करेंगे, एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है H2O यानी कि वाटर। तो दो रॉ मटेरियल हैं, पहला रॉ मटेरियल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही वो चीज़ है जिसका रिडक्शन होके ग्लूकोज बनता है, और जो ग्लूकोज है वही फूड है प्लांट्स के लिए। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ CO2। तो CO2 बहुत इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये इम्पोर्टेंट तो है, सवाल ये है कि ये प्लांट को मिलेगा कैसे, भाई प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा CO2। तो होता क्या है कि दो टाइप के प्लांट्स हैं, एक है एक्वेटिक, दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल। जो ज़मीन पर रहते हैं वो हैं टेरेस्ट्रियल, जो वाटर के अंदर रहते हैं वो क्या हैं, एक्वेटिक। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स नहीं सॉरी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, वो CO2 कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? पहली बात तो ये कैसे लेते हैं, फ्रॉम देयर जनरल बॉडी सरफेस। जो उनका बॉडी सरफेस है उसी से CO2 ले लेते हैं वो। CO2 कहाँ है, जो वाटर में डिजोल्व है, यानी कि दे टेक डिजोल्व्ड CO2। कैसे लेंगे, बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस, जो उनके बॉडी का सरफेस है उसी से ले लेते हैं वो CO2। यही कारण है कि वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि पूरा पूरा बॉडी सरफेस होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में CO2, ज़्यादा मात्रा में CO2 ले सकता है। यही कारण है कि फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादा होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। लगभग 90% अबाउट 90% फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म होता है। तो कैसे लेंगे, बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस है उसी से ये CO2 लेते हैं, और यही कारण है कि इनमें फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल प्लांट से ज़्यादा होता है, मोर इन देम। क्या मोर, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इनमें मोर होता है, अबाउट 90%, 90% के आसपास। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं उस लीव्स के सरफेसेस के ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, जिन पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा, यानी कि पोर्स आर फाउंड ऑन द सरफेसेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेसेस के ऊपर पोर्स होते हैं, और इन पोर्स का नाम है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोमेटा का है। ये जो स्टोमेटा है यानी कि लीव्स का जो सरफेस है, इसके ऊपर पोर्स हैं, कुछ छेद हैं, उन्हीं को कहते हैं स्टोमेटा। इनके दो फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के मेन। पहला फंक्शन तो ये होता है कि स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। प्लांट्स CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम देख चुके हैं। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना गैसेज का, कि CO2 ली जा रही है, ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है, ये किसके मीडियम, यानी कि उनका मीडियम क्या है, कौन करवाएगा ये काम, वो स्टोमेटा करवाता है। यानी कि जो पोर्स है ना लीव्स के सरफेसेस के ऊपर, वहाँ से ही CO2 ली जाती है और वहीं से फिर ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। तो इसका पहला काम है कि ये जो स्टोमेटा है इसके थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।
यानी कि CO2 का इनटेक और O2 का इवोल्यूशन ये किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। इसका दूसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ वाटर। वाटर का जो एक्सचेंज है यानी कि वाटर जो प्लांट्स छोड़ते हैं वो भी किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा स्टोमेटा के थ्रू। अब वाटर, गौर फरमाइएगा, वाटर अगर वेपर्स के रूप में जा रहा है तो उस प्रोसेस का स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और कई बार जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स के अंदर तो फिर वो वाटर ड्रॉप्स के रूप में जाता है, वाटर के ड्रॉप्स निकलेंगे प्लांट्स में से, उसको बोलते हैं गटेशन। यानी कि वाटर टू फॉर्म्स में जा सकता है, ट्रांसपिरेशन। जैसे नॉर्मली वाटर कहीं भी डाल दें, हम फर्श के ऊपर डाल दें और उड़ जाता है तो हम कहते हैं भाई वाटर का इवेपोरेशन होगा। अब इस केस में इवेपोरेशन नहीं कहेंगे, प्लांट से जो वेपर्स के रूप में वाटर चला जाएगा तो इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपिरेशन। यानी कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज इवोल्व्ड फ्रॉम द प्लांट्स, और अगर ये ड्रॉप्स के रूप में जाए तो उसको बोलते हैं गटेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जाए तो स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन हो गए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर। अब ये कैसे होगा, लीव्स के सरफेसेस के ऊपर स्टोमेटा है तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, डायग्राम बनाया हुआ हमने, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये ओपन स्टोमेटा का है, ये है क्लोज स्टोमेटा। होता क्या है, ये जो स्टोमेटा है इसकी सुरक्षा के लिए ये चारों तरफ होती हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स कैसी हैं, बीन शेप्ड, इनकी बीन जो होती है वैसी शेप होती है, यानी कि बीन शेप्ड। और जब इनमें इनटेक ऑफ वाटर होता है, जब पानी इनके अंदर भर जाता है तो क्या हो जाता है, ये फूल जाती हैं। फूलने से क्या होता है, इनका जो सरफेस है वो सरफेस खुल जाएगा, यानी कि ये है, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो जैसे जैसे इनके अंदर वाटर भरेगा तो ये फूलती जाएंगी और पोर खुलता जाएगा। यानी कि जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ है तो ये पोर खुल जाता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये ओपन स्टोमेटा है। और जब ये ड्राई होती हैं, ड्राई होंगी तो क्या होगा, सूखता जाएगा, सरफेस क्या हो जाएगा बंद, ये सरफेस सॉरी पोर जो है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो जब वाटर भरता जाएगा तो ये पोर खुल जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह हो सकता है। कब होगा, जाहिर सी बात है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। यानी कि ज़्यादातर जो ओपनिंग होगी स्टोमेटा की वो कब होगी, ड्यूरिंग द डे, जब सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसी दौरान क्या होगा, स्टोमेटल पोर खुलेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह होती हैं। लेकिन ये रात को भी हो सकता है कुछ प्लांट्स में। और जब इनमें वाटर नहीं है तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट करके और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ये डायग्राम है क्लोज स्टोमेटा का, तो ये इसके अंदर गार्ड सेल्स हैं, ये जो दिखाई है। अब ये जो स्टोमेटा, इसकी दो लाइनिंग है, दो लेयर्स हैं, बाहर वाली ये है थिन आउटर लेयर, ये पतली होती है, और अंदर ये देखो रेड से दिखाई है, अगर लाइट की मेहरबानी हो रही हो आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो रेड है ये, तो ये क्या है, ये है अंदर वाली थिक, यानी कि थिक इनर वॉल्स। ये जो इसके अंदर हमने दिखाए हैं ये ऑरेंज टाइप कलर के, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब इनटेक ऑफ वाटर होगा गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है ये भी लिख लेते हैं। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, ये मेंटेन करती हैं किसको, स्टोमेटल पोर को। अगर इनटेक ऑफ वाटर है तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये कब होता है, जब वाटर इनटेक हो रहा होता है, और वाटर इनटेक होगा तो वो फैल जाएंगी और स्पोर खुल जाएगा।
और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब होता है? जब वाटर बाहर चला जाएगा, जब वाटर ना हो उसमें, वाटर विल लीव। वाटर के जाने के बाद क्या होगा, वो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये था पहला जो रॉ मटेरियल है, यानी कि CO2। मेन बात इसमें क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं। मेन बात ये है कि CO2 जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स में कहाँ से ली जाती है, जनरल बॉडी सरफेस से तो लेते हैं, और डिजोल्ड जो होती है वाटर में जो घुली हुई है उससे वो ले लेते हैं। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं और एनवायरनमेंट से लेते हैं। ये पहला रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। अब जो दूसरा रॉ मटेरियल है यानी कि वाटर, अब उसकी बात करते हैं। वाटर कहाँ से लिया जाएगा प्लांट्स में, जाहिर सी बात है रूट्स के थ्रू। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्लांट में कहीं आप ऊपर से पानी डाल दें और वो वहीं कहीं से ले लें। पहले उस पानी को रूट्स के पास आना पड़ेगा और रूट्स के बाद वो ऊपर जाता है। यानी कि सेकंड रॉ मटेरियल इज वाटर। ऑब्वियसली यू नो द फॉर्मूला H2O। दूसरा रॉ मटेरियल है अपने पास प्लांट्स के पास वाटर, जो वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर जो है कहाँ से लिया जाएगा, बाय रूट्स। प्लांट्स कैसे लेंगे, अपनी रूट्स के द्वारा लेते हैं। रूट्स के द्वारा कैसे लेंगे, तो उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में वाटर पहुंच जाता है। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, टिश्यूज वाला चैप्टर था। दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में इस इन कामों के लिए, एक तो है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोइम। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम होता है, और फ्लोइम किसका करता है, फूड का करता है। भाई रूट्स के पास वाटर आ गया तो अकेली रूट्स ही थोड़ी रखेंगी, प्लांट्स को तो ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि एवरी पार्ट ऑफ प्लांट विल बी इन द नीड ऑफ वाटर। कौन पहुंचाएगा, जाइलम टिश्यू पहुंचाएगा उसकी सेल्स। कैसे पहुंचाएंगे, ओस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब ओस्मोसिस क्या है, जो भी कोई प्लांट अपने पास है इसकी रूट्स हैं, तो ये जो रूट्स हैं इनमें क्या है, सेल्स बनी हुई हैं। ऐसे सेल्स बहुत सारी बनी हुई हैं। अब मान लिया ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सेल्स हैं। अब वाटर आ गया सेल नंबर 1 के पास, तो जब सेल नंबर 1 के पास वाटर आ गया तो ये पानी से भर गई, इसके पास पानी ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर दूसरी में जाएगा। भाई आसान सी बात है, समझ के देखो आप। अपने पास ये दिया हुआ एक सिस्टम, और ये बीच में ये है पोर्शन ए, ये है पोर्शन बी। इसमें वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ए में इतना है, बी में इतना है। अब हम क्या करते हैं, बीच से इसको होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, यानी कि पानी इधर उधर जा सकता है। तो क्लियर सी बात आप बता सकते हैं, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। इसमें ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, इससे इसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक बराबर नहीं हो जाएगा। तो ए से वाटर कहाँ जाएगा, बी में। हालांकि ओस्मोसिस का प्रॉपर प्रोसेस ये है कि इसमें बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है और सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, मैं आपको रफली बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा मात्रा है, वहाँ से कम की तरफ जाएगा। यही काम यहाँ होना है, ओस्मोसिस इसको बोलते हैं। अब जैसे पहली सेल के पास वाटर आए तो इसके पास ज़्यादा होगा, दूसरे के पास है नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ दूसरी के पास जाएगा। अब दूसरी में ज़्यादा होगा, तीसरी के पास नहीं है, इसके पास जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स के जितने भी पार्ट हैं उन तक वाटर पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ओस्मोसिस। कौन करवाता है, जाइलम टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इस काम को करवाती हैं। तो जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। और वाटर क्या है,
एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फिर वही बात है, ये जो वाटर जब जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो आपने ये नहीं समझना है कि केवल वाटर ही है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसके साथ मिनरल्स हैं या डिजोल्ड साल्ट्स हैं, वो भी जाते हैं। यानी कि डिजोल्ड साल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड विद वाटर, ये भी वाटर के साथ जाते हैं। अच्छा, ये किसकी बात चल रही है? टेरेस्ट्रियल की चल रही है। तो एक्वेटिक, अब एक्वेटिक में तो कुछ है ही नहीं, आपको पता ही है। एक्वेटिक तो कहते ही उनको हैं जो वाटर में हैं, एक्वा मीन्स वाटर, तो वो तो अपना जो भी उनका जनरल बॉडी सरफेस है वहीं से वाटर को ले लेते हैं। यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल कहाँ से लेंगे? रूट्स के द्वारा लेंगे। कंक्लूजन, रूट्स के द्वारा लेंगे, प्रोसेस का क्या नाम है? ऑस्मोसिस है, साल्ट्स भी चले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ से लेंगे? थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस दे विल टेक वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इसके थ्रू वाटर को लेते हैं। और देखो, वाटर की आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स ले तो लेते हैं वाटर, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि प्लांट्स बहुत परोपकारी होते हैं। जैसे कि जो भी खाना हम खाते हैं ज़्यादातर उसमें प्लांट्स का यूज़ करते हैं, तो ये तो हमारे ऊपर उनका उपकार है ही, इसके अलावा बाई नेचर ही ऐसे हैं प्लांट्स। तो अब आप याद रखना इस बात को, जितना वाटर वो लेते हैं उसका 1% यूज़ करते हैं, बाकी प्लांट्स यूज नहीं करते। यानी कि 1% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, जो 1% है वही यूज किया जाता है, इज यूज्ड अप बाय प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, अब जिसको बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बनेगा, व्हाट इज कॉम्पनसेशन पॉइंट? कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है? चलते हैं एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के पास, कि फोटोसिंथेसिस की हमने क्या रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी? 6CO2 6H2O, मेरे साथ बोल के देख लो आप, 10th के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं याद हो जानी चाहिए अब तक तो। 6H2O, ये ऐसे मैंने बताया था कई बुक्स में है लेकिन ये सही नहीं है। 12H2O, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये क्या थी? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी। बताइए प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? देखो यहाँ पे CO2 लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2, ये रही। अब कंपनसेशन पॉइंट पे आते हैं। देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसका जस्ट रिवर्स, इसका उल्टा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है, ये एक कैसा है? एनाबोलिक प्रोसेस है जिसमें कुछ बन रहा है, और कैटाबोलिक होता है जिसमें कुछ टूटता है। तो इसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। यानी कि इसकी उल्टी रिएक्शन किसकी है? रेस्पिरेशन की है। यानी कि ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और क्या बनता है? CO2 और H2O, ये रेस्पिरेशन की, यानी कि इसके उल्टी। अब होता ये है कि जब सनलाइट आती है तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब वो स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? CO2 वो ले रहे हैं और O2 वो छोड़ रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, CO2 लेना, O2 छोड़ना। जब कभी भी डिम लाइट होती है, ध्यान से सुन लीजिए, अब जब कभी डिम सनलाइट होती है, यानी कम है सनलाइट, कब होती है? जैसे अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली इवनिंग है, तो उसमें क्या होता है? जितनी CO2 प्लांट इनटेक कर रहा है उतनी ही O2 छोड़ी जाती है।
जितनी CO2 ले रहा है उतनी O2 छोड़ी जाती है, कब, जब डिम होती है, सनलाइट कम होती है, हरदम नहीं होता, डिम में होता है, व्हेन सनलाइट इज डिम देन इनटेक ऑफ CO2 बिकम्स इक्वल टू रिलीज ऑफ O2 दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो सिचुएशन है प्लांट्स में, इसी को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, और इजी वर्ड्स में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द सिचुएशन और द पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाए, यानी कि इसका ये मतलब है कि जितनी O2 ले उतनी ही, जितनी CO2 ले उतनी ही O2 छोड़ी जाए, तो उसको क्या कहेंगे, कंपनसेशन पॉइंट। तो लिख देता हूँ, ये आसान सी बात है, आप तुरंत इसको समझ गए होंगे, याद होगी होगी आपको, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और कब होता है ये काम, इन डिम सनलाइट, डिम सनलाइट में ऐसा होता है, ज्यादातर अर्ली, वैसे डिम और कभी भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर ये तो होती है अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में फोटोसिंथेसिस का रेट बराबर हो जाता है रेस्पिरेशन के, इसे वो कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जितनी CO2 ली जाती है, इनटेक ऑफ CO2, जितनी CO2 ली जाती है ये बराबर हो जाती है, जितनी CO2 प्लांट्स लेंगे उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि रिलीज ऑफ O2, ऑक्सीजन की रिलीज की बराबर हो जाती है, इसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमने अब बात की रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे, दो थे CO2 एंड H2O। CO2 एक्वेटिक में क्या हुआ, बाय जनरल बॉडी सरफेस, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या हुआ, बाय स्टोमेटा। दूसरा है वाटर, टेरेस्ट्रियल में कहाँ है, बाय रूट्स, एक्वेटिक में कहाँ से लिया जाता है, बाय जनरल बॉडी सरफेस। सो दीज वर रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है प्लांट्स में ये कहाँ पर होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये लीव्स के अंदर होता है, कौन करवाता है, तो उनका पिगमेंट है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, तो वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में कौन सी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो कहाँ होता है। अब देखो, दो टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, ये नाइन्थ में शायद आपको याद होगा, एक ऐसे होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, जिनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और दूसरे होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ, डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको कहते हैं यूकैरियोट्स। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, इनके अंदर होता है क्रोमेटोफोर्स। क्या है ये क्रोमेटोफोर्स, ये है पिगमेंट्स, इनके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऐसे प्लांट्स कम होते हैं, ज्यादातर हमारा वास्ता किन से पड़ेगा, यूकैरियोट्स से। तो यूकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो होता है क्लोरोफिल के द्वारा, और क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, मेसोफिल सेल्स के अंदर है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है लीव्स की, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उस एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड टिश्यू, उनके अंदर ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो यूकैरियोट में कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस, इन क्लोरोप्लास्ट्स, यानी कि पैलिसेड टिश्यू
और ये कहाँ है, बिलो एपिडर्मिस, जो लीव्स में एपिडर्मिस के नीचे। इन क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो नंबर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि एक जो लीफ है उसमें 40 to 50 या थोड़े से इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट तक उसमें हो सकते हैं, जबकि लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये संख्या कम भी हो सकती है, उनमें ये केवल एक या दो होते हैं संख्या में। यानी कि ईच लीफ हैज अबाउट 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट्स, 40 से 50 होते हैं। अगर हम लोअर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें होते हैं एक या दो, लोअर प्लांट्स इनमें इनकी संख्या कम है, नंबर इज लेस, 1 or 2 बस इतने ही होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं यानी कि लीफ में पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये क्या है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये भरा हुआ है लिक्विड जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, और ये कैसा है, ये नॉन पिगमेंटेड है, इसमें पिगमेंट्स नहीं होते। ये जो मैंने दिखाए हैं इनको कहा जाता है थाइलेकोइड्स, और थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। आप इस बात को नोट करें अब कि थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये थाइलेकोइड्स ऐसे जचे हुए होते हैं जैसे हम क्वाइंस को जचा देते हैं। क्वाइंस आप सिक्के लें, एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएं तो जो उनका ढेर बन जाएगा, जो पाइल्स ऑफ क्वाइंस हैं उसी की तरह जचे हुए हैं। इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस बॉक्स है, ये भी थाइलेकोइड्स हैं, ये भी हैं, ये भी, ये भी, ये भी, तो इनके चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेनस यानी कि मेम्ब्रेन का बना हुआ एक बॉक्स है जिसका नाम है ग्रेनम। ग्रेनम है सिंगुलर, प्लूरल होता है ग्रेना, यानी कि ग्रेना है, ग्रेना के अंदर क्या है, थाइलेकोइड्स हैं। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो जिस चैनल से ये जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं फ्रेट्स चैनल या स्ट्रोमा लेमेले। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन है, स्टार्च के बारे में आपने याद रखना है। प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया, फूड, फूड से क्या मिलती है, एनर्जी, तो कुछ एनर्जी तो एट ए टाइम यूज कर ली जाती है, और जो बच जाता है फूड उसको स्टोर कर लिया जाता है, और प्लांट्स में जो स्टोर होता है फूड वो स्टार्च के रूप में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च के रूप में है, और एनिमल्स में जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये क्या है, ये लिपिड ग्लोब्यूल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है, ये बातें दो चार हमने पढ़ी। ये क्या है, मेम्ब्रेनस बॉक्स है, इसको भी लिख देते हैं मेम्ब्रेनस बॉक्स। क्या है ये, ग्रेनम या ग्रेना है, और इसके अंदर क्या है, थाइलेकोइड्स हैं, और थाइलेकोइड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल इज फाउंड, ये पाया जाता है कहाँ पे, इनसाइड द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर ये पाया जाता है। फिर ये जो है ये आपस में, जैसे कि एक ग्रेना ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये जो ग्रेना है, ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो जिससे जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले या फ्रेट्स चैनल, यानी कि ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू,
by stroma lamellae, या इसी का दूसरा नाम क्या है जो ऊपर लिखा है, फ्रेट्स चैनल। ये चैनल से हैं, इनके द्वारा ये आपस में, एक ग्रेना है दूसरा, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये है जैसे, ये फ्रेट चैनल है, ये है जैसे, ये है जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो जिससे जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टोमा लैमेले या फ्रेट्स चैनल। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो स्ट्रोमा है, ये लिक्विड सा जो भरा हुआ है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, तो फिर इसका रोल क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन बहुत से टाइप के होते हैं, उन्हीं में एक टाइप है एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स फिर डार्क रिएक्शन करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे, दो स्टेप में पूरा होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में ही ग्लूकोज बनता है, तो जो ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में, उस समय एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा के बारे में क्या जानकारी मिल गई हमें, हम तो आपने याद रखना है क्या, ये नॉन पिगमेंटेड है, यानी कि इसमें पिगमेंट नहीं है। काम क्या है, इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। और ये जो थाइलाकोइड्स हैं, ये कैसे हैं, ये हैं द हीप्स ऑफ क्वाइंट्स, उसकी तरह, या पाइल्स ऑफ क्वाइंट्स की तरह होते हैं, यानी कि थाइलाकोइड्स दे आर लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइंट्स, जो सिक्के होते हैं अगर हम उनको जचा दें, उस टाइप की स्ट्रक्चर इनकी बनती है ग्रेना के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और तो बात क्या थी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो निष्कर्ष क्या निकला कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हुआ है, ये थाइलाकोइड्स, इनकी मेम्ब्रेन्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करवाता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो दो स्टेप्स में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।